वेलकम टू माय चैनल। आज हम कटहल के कबाब बनाएंगे, जो लखनऊ की पारंपरिक वेज कबाब रेसिपी है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कटहल के कबाब। वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड, कटहल के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम कटहल ले लिए हैं। अब इसे काट लेते हैं, हम बीच से दो भाग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटहल को दो भाग में काट दिया है। हाथ में थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि ये कटहल जो है इसकी लहसुन चिपके ना हाथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कटहल को हमने यहाँ पे काट लिए हैं बड़े साइज में। अब इसका छिलका उतार के इसके एकदम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे छिलका उतार के। कटहल को हमने छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से कट जाता है। ये एकदम नरम, ये सॉफ्ट कटहल है। छोटे कटहल नरम होते हैं जो अच्छे से कट जाते हैं, उसमें बीज ज़्यादा नहीं होते, उसमें बीज नहीं होते हैं। 500 ग्राम कटहल है। अब इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। कुकर में डाल देते हैं पानी निचोड़ के। अब इसमें पानी डाल देंगे, 2 गिलास पानी डाल देते हैं हम इसमें। 1 चम्मच नमक डाल देंगे कटहल में। अब कुकर को बंद कर देते हैं अच्छे से, 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। कटहल नरम है, छोटे थे इसलिए जल्दी गल जाएंगे। 2 से 3 सीटी हो गया है। अब कुकर खोल के देख गल गए हैं कि नहीं गले हैं। ये देखिए फ्रेंड, कटहल एकदम अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। अब इसे पानी से अलग कर देते हैं कटहल को। कटहल को पानी से अलग कर दिए हैं। अब इसे साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 2 मीडियम साइज का प्याज लिए थे, उसे धोकर अच्छे से बारीक बारीक काट लिए हैं कबाब में डालने के लिए। कटहल के कबाब में डालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पे 4 से 5 लौंग ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10 से 12 कलियां लहसुन, 2 दालचीनी, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 1 स्पून जीरा साबुत लिए हैं, 2 स्पून साबुत धनिया ले लिए हैं, 10 से 12 काली मिर्च लिए हैं। अब इन सभी मसालों को इसे अच्छे से भून लेते हैं तवे पे। हम जो मसाले लिए थे तवे पे डाल देंगे सारे मसाले को। भून के डालने से कबाब बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर बच्चे कटहल नहीं खाते तो आप कबाब बना के खिलाइए। प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए हमारी YouTube फैमिली। अब ये रोस्ट हो गए हैं, अब इसको निकाल देते हैं प्लेट में। अब इसी तवे पे हम प्याज को थोड़ा तेल डाल के फ्राई करेंगे। तेल डाल देते हैं 2 स्पून। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसी में हम जो प्याज काटे थे वो डाल देते हैं इसको। प्याज को सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है प्याज। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है, काफी अच्छा कलर आया है। अब इसको निकाल देंगे, इसी प्लेट में निकाल देते हैं। अब मसालों को हम मिक्सर जार में हम पीस लेंगे, इसको बारीक हम पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाले को पीस लिया है। अब ये जो कटहल है, कटहल ठंडे हो गए हैं, कटहल में जो मसाले पीसे हैं उसको डाल देंगे हम। कटहल के कबाब तो सभी पसंद करते हैं, बहुत ही लजीज और टेस्टी बनता है। प्याज फ्राई किया था वो भी डाल दे रहे हैं। आप भी मेरे तरह ही बनाइए, बहुत ही मस्त और जबरदस्त कबाब बनके तैयार होगा। थोड़ा सा हरा धनिया है डाल देती हूँ मैं इसमें। 2 हरी मिर्च है जो मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच नमक डाल दूंगी मैं यहाँ पे। 2 चम्मच बेसन डाल देते हैं हम इसमें। ज्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि बाइबिन के लिए डाल रहे हैं हम। अब सभी चीजों को अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। कटहल अच्छे से गल गया है, ये देखिए। अब अच्छे से हम सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए। अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका कबाब बनाते हैं हम। कैसे बनाते हैं ये आपको हम बताते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम हाथ में लेंगे ऐसे। अब इसको बॉल के आकार में गोला सा ऐसे बना लेना है, ये देखिए। हाथ से दबा देंगे। इसी तरह हम सारे कबाब को बना लेते हैं। हमने सारे कबाब बना लिए हैं।
अब इस कबाब को तवे पर सेक लेंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। 4 स्पून ऑयल डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गया, इसी में हम कबाब डाल देते हैं। जितना तवे पे आएगा उतना हम कटहल का कबाब डाल देंगे। तेल को ऐसे ही चारों तरफ घुमा देंगे ताकि जहाँ तेल नहीं गया वहां तक भी पहुंच जाएगा। अब एक तरफ सिक जाएगा तो दूसरी तरफ हम पलट देते हैं। उलट पलट के इसको अच्छे से सेक देंगे। ये देखिए एकदम कबाब जैसा लग रहा है ना। अच्छे से ये कबाब सिक गया है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल के कबाब बहुत ही जबरदस्त और यमी और टेस्टी बन के तैयार हो गया है। आप इसे रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल दाल के साथ खा सकते हैं या फिर इस टोमेटो सॉस से भी खा सकते हैं आप। खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। आप इस कटहल को कबाब खाएंगे तो मटन चिकन खाना भूल जाएंगे। जो मटन चिकन के कबाब होते हैं उससे ज्यादा ये टेस्टी लगता है। आप ऐसे ही हमारे तरह बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया बना हुआ है कबाब। टोमेटो सॉस से खाते हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके बताइए हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।